नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोप्राइड एम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बायोप्राइड एम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बायोप्राइड एम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बायोप्राइड एम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बायोप्राइड एम एक ब्रांड नेम है। बायोप्राइड एम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। बायोप्राइड एम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ग्लिमेपिराइड और मेटफोर्मिन होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली बायोप्राइड एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। बायोप्राइड एम टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। बायोप्राइड एम टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बायोप्राइड एम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बायोप्राइड एम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूख कम लगना, मुँह के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना और सिर दर्द होना आदि साइड इफेक्ट्स बायोप्राइड एम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा बायोप्राइड एम टैबलेट की वजह से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोप्राइड एम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। बायोप्राइड एम टैबलेट को सुबह ब्रेकफास्ट के समय, खाना खाते समय, बीच में लेना रिकमेंडेड होता है, या बायोप्राइड एम टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंत पहले लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में बायोप्राइड M1 टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ाकर बायोप्राइड M2 टैबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं। बायोप्राइड M टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। बायोप्राइड एम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेवल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको बायोप्राइड एम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोप्राइड एम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको बायोप्राइड एम टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर, डायबिटिक कोमा होने पर और डायबिटिक कीटोसिस होने पर बायोप्राइड एम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको बायोप्राइड एम टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, और आपको बायोप्राइड एम टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित
माना गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बायो प्राइड एम टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बायो प्राइड एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।